बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत विद बेसमेंट डबल स्टोरी 10 मरला हाउस लेके हाज़िर हुए हैं, जो कि फॉर सेल है। इस घर में 5 बेडरूम हैं, 2 टीवी लॉन्च है, 2 किचन है, 1 कार पोर्च, इस तरह 1 ड्राइंग रूम। तो ये आपके सामने, ये बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका सामने फुल स्पेनिश हाउस है ये, तो इस विद बेसमेंट है। बेसमेंट में भी आपको लेके चलेंगे और टोटल इंटीरियर आपको इसका विज़िट करवाएंगे। एक्चुअल आपके सामने है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपके सामने इसकी तमाम डिटेल्स आ सकें। ये देख सकें आप, इसका गेट बंद है इस वक्त। फ्रंट एलिवेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। उसके बाद आपको इसका साइड एलिवेशन दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये साइड व्यू है इसका, कॉर्नर घर है ये। और इसकी डायमेंशन जो है वो 35x65 है घर की, और ये देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको मेन डोर ओपन करते हैं और मेन गेट ओपन करते हैं, अंदर लेके चलते हैं। हमने इसका मेन डोर मेन गेट ओपन कर दिया। ये आपके सामने इसका गैराज है, देख सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें अभी काम होने वाला है, फिनिशिंग का काम हो रहा है। टाइलिंग वर्क आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। जितना काम हुआ, जितनी टाइल है इसमें लगी, वो इम्पोर्टेड टाइल्स हैं। सामने मेन डोर का डिज़ाइन आपके सामने है, और इसी तरह ये साइड स्पेस है इसकी। 2 से 3 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं, 2 गाड़ी बड़ी और 1 गाड़ी छोटी आराम से खड़ी हो सकती है इस गैराज में। और इसी तरह ये साइड स्पेस है इसकी, साइड स्पेस इसकी 5 फिट की है, और इसी तरह बैक स्पेस भी इसकी 5 फिट की है। इसके बाद हम आपको इसका सीलिंग डिज़ाइन कार पोर्च का, ये आपके सामने फुल बेसमेंट के साथ ये घर है। बेसमेंट का भी आपको 1 बाय 1 विजिट करवाएंगे, और फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर भी। चलते हैं, मेन डोर ओपन करते हैं और मेन एंट्रेंस लॉबी पे चलते हैं। ये देख सकते हैं ग्रेनाइट ब्लैक, और ये इसका मेन डोर का डिज़ाइन। ये हम मेन एंट्रेंस लॉबी पे आ गए। ये देख सकते हैं फ्लोरिंग वर्क बहुत खूबसूरत तरीके से इसके अंदर डिज़ाइन बना है, जो ब्लैक मार्बल और एक खूबसूरत। और ये सामने डोर जो है, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं, ग्राउंड फ्लोर को सेपरेट कर सकते हैं। और एक साइड पे ये ड्राइंग रूम का डोर है। उसके बाद ये लॉबी की दूसरी साइड है, दूसरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बेसमेंट में नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, और ये इस तरह फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियाँ जाने के लिए। उसके बाद इसका सीलिंग डिज़ाइन आपको दिखाते हैं, ये लॉबी का सीलिंग डिज़ाइन। अजान हो रही है, अजान के बाद नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं ग्राउंड बेसमेंट में। ये सीढ़ियाँ बेसमेंट में जा रही हैं, उसके बाद आपको ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर। ये हम बेसमेंट में टीवी लॉन्च में आ गए, देख सकते हैं फुल बड़ा हॉल है ये। नीचे सामने थिएटर के लिए जगह बनाई गई है वॉल के ऊपर, और इसी तरह एक वॉल ये है। सामने बेडरूम का डोर ओपन है, और इस साइड पे ये विंडो वेंटिलेशन के लिए बेसमेंट में, और ये वाटर बाथ है नीचे, एक छोटा सा बाथ है इसके नीचे। और इसी तरह ये इस साइड पे स्टोर रूम है। हॉल का आपको सीलिंग डिज़ाइन दिखाते हैं, ये हॉल का सीलिंग डिज़ाइन है। बेसमेंट में जो हॉल है देख सकते हैं, उसके बाद आपको लेके चलते हैं बेडरूम में। ये सामने बेडरूम का डोर ओपन है, देख सकते हैं टाइलिंग वर्क बहुत प्यारा। इसी तरह बेड वॉल, ऊपर वेंटिलेशन के लिए दी गई है जगह, और एक वॉल ये है। बेडरूम में आप देख सकते हैं एलईडी के लिए पॉइंट दिया गया है। सामने मेन डोर का डिज़ाइन, और सामने वार्डरोब्स वगैरह और ड्रेसिंग और बाथ का डोर है सामने, ये देख सकते हैं एक साइड ये है। उसके बाद इसका सीलिंग डिज़ाइन लेके चलते हैं आपको बाथरूम की तरफ। ये हम देख सकते हैं बहुत वाइड इसमें वार्डरोब्स हैं, इसमें बहुत बड़ी माशाल्लाह, ये एंड तक। उसके बाद इसका ये सीलिंग डिज़ाइन, सामने वॉलपेपर का काम हुआ है वॉल के ऊपर, और ये इसका बाथ, देख सकते हैं टाइलिंग वर्क। और सामने जगोजी, सॉरी ये है वैनिटी, वैनिटी के ऊपर मिरर लगने वाला है, ये पड़ा हुआ इधर। और ये मैंने आपको बताया थोड़ा काम, कमोड एरिया और शावर एरिया आप देख सकते हैं।
इस्पात का सीलिंग डिज़ाइन ये आपके सामने है। उसके बाद लेके चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर टीवी लॉन्च में। ये फर्स्ट फ्लोर के टीवी लॉन्च में आ गए। फ्लोरिंग वर्क देख सकते हैं, वाइट टाइल वाइट पाउडर के साथ। सामने किचन का डोर है और साथ ही खूबसूरत डिज़ाइन वॉल पे बना हुआ है, और इस साइड पे बेड का डोर है। फर्स्ट फ्लोर पे एक बेडरूम है, ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम है। और ये सामने देखते हैं टीवी लॉन्च की, आपके सामने एलईडी पॉइंट्स और कर्टन वगैरह लगे हैं विंडोज़ के ऊपर। ये टीवी लॉन्च को आपको दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं। ये मेन एंट्रेंस लॉबी से वो ड्राइंग रूम की साइड, और सामने वॉल्स के ऊपर वॉलपेपर का काम, और ये सीलिंग डिज़ाइन खूबसूरत फैनूस इसमें लगा है। इसके बाद आपको लेके चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। ये हम देख सकते हैं सामने ड्राइंग रूम है इसका। टाइलिंग वर्क आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत, और ये देख सकते हैं सामने कर्टन, और ये वॉल के ऊपर वॉलपेपर का काम, और इस साइड पे एक ये वॉल। उसके बाद सीलिंग डिज़ाइन बहुत खूबसूरत फैनूस इसमें, फैंस वगैरह इंस्टॉल हैं ऑलरेडी। इसके बाद लेके चलते हैं आपको यहीं से सीधा डायरेक्ट बेडरूम की तरफ। ये सामने हम देख सकते हैं निश में बहुत प्यारा आर्ट का काम, और ये इस साइड पे बेडरूम है। देख सकते हैं फ्लोरिंग वर्क। उसके बाद ये सामने आपके विंडो वेंटिलेशन के लिए, ये साइड पे बेड बॉल, और इसी तरह इसका ये सीलिंग डिज़ाइन। दूसरे एंगल से दिखाते हैं बेडरूम को। ये देख सकते हैं सामने बेडरूम का दूसरा एंगल है। आपके सामने ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम है, ये विंडो सामने आपके वो वार्डरोब्स ओपन है, और साथ में बेडरूम की मेन डोर, और ये साइड पे एलडी के लिए जगह। ये सामने आपके बाथ का डोर ओपन है, हम देख रहे हैं सामने वेंटी। साइड पे कमोड एरिया, कंसील कमोड्स हैं इसके अंदर। वो सामने शावर एरिया, शावर अभी लगने वाला है, 20% कोई काम रहता है, 10% ये सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत टाइलिंग वर्क हुआ है। उसके बाद ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। इसके बाद लेके चलते हैं आपको किचन की तरफ, जो ग्राउंड फ्लोर पे है। ये टीवी लॉन्च में ही बेड के बिल्कुल सामने इसका किचन का डोर है। ये देख सकते हैं डोर का डिज़ाइन। उसके बाद ये देख सकते हैं आप इसकी वार्डरोब्स वगैरह। सामने आपके सारी चीज़ें इसके अंदर बिल्ट इन हैं। उसके बाद ये साइड देख सकते हैं आप, ये भी किचन की साइड है। उसके बाद आपको इसका डेटी किचन दिखाते हैं। डेटी किचन ये है, देख सकते हैं सेपरेट से किचन दिया गया है इसके अंदर। गैस वगैरह ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल है। उसके बाद आपको लेके चलते हैं इसका सीलिंग डिज़ाइन दिखाते हैं। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है किचन का। यहीं सीधा आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके चलते हैं। ये सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही हैं, ग्रेनाइट ब्लैक आपके सामने। ये देख सकते हैं ऊपर सीढ़ियों की जगह। ये हम फर्स्ट फ्लोर की मेन लॉबी में आ गए। एंट्रेंस लॉबी है जिसमें टाइलिंग वर्क, और ये साइड पर डोर बाहर ओपन होने के लिए, टेरेस पे जाने के लिए, और इसी तरह इसका ये लेफ्ट साइड पे मेन एंट्रेंस डोर, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। ये मेन हम एंटर हो गए हैं इसमें। ये टीवी कम किचन है, टीवी लॉन्च कम किचन है। ये किचन का रिव्यू मेरे आपके सामने है। कैबिनेट्स वगैरह आपके सामने हैं इसकी सारी, और ये साइड पे भी कैबिनेट्स हैं। और इसके बाद ये सामने थ्री बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे। ये देख सकते हैं टू बेड के ओपन हैं डोर्स, और एक साइड पे दूसरी साइड से मैं आपको दिखाता हूँ इसका। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। चलते हैं वन बाई वन बेडरूम को रिव्यू करते हैं। ये हम देख सकते हैं टाइलिंग वर्क आपके सामने इसका, ब्लैक बॉर्डर के साथ, और इसी तरह ये सामने आपके बेड बॉल है। ये सामने इसका कर्टन वगैरह। ये आपके सामने मीडिया वॉल सामने इसकी बेड की, मेन डोर, और इस साइड पे एक ये वॉल।
उसके बाद आपको इसका सीलिंग डिज़ाइन दिखाते हैं। चलते हैं इसी के अटैच बाथ की तरफ। ये सामने हम अटैच बाथ में आ गए। ये देखते हैं वार्डरोब्स इसकी, ऊपर से भी, साइड पे भी दी गई हैं। और इसके बाद ये सामने आपके शावर एरिया, कमोड एरिया, टेलिंग वर्क आपके सामने, विंडो वेंटिलेशन के लिए सामने एग्जॉस्ट फैन, और इसी साइड पे ये इसकी वैनिटी है, खूबसूरत वैनिटी। ऊपर मिरर में लाइट्स हैं। उसके बाद ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। ये दूसरे बेडरूम में आ गए हम। देख सकते हैं सामने खूबसूरत वॉलपेपर वॉल के ऊपर, इस साइड पे कर्टन आपके सामने विंडो वेंटिलेशन के लिए, उसके ऊपर कर्टन लगाए हैं। और इस साइड पे ये इसकी मीडिया वॉल है। ये दूसरे एंगल से आपको दिखा रहे हैं बेडरूम को। और इस साइड पे ये इसकी बेड वॉल। उसके बाद खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है इसका। चलते हैं बाथरूम की तरफ। ये हम आगे बाथ में, खूबसूरत वैनिटी आपके सामने, फ्लोरिंग वर्क भी आपके सामने, ये टाइल वर्क आप। उसके बाद शावर एरिया, ये साइड पे कमोड एरिया। उसके बाद इसका सीलिंग डिज़ाइन आपके सामने। इसकी वार्डरोब्स इस बाथ के अंदर ही हैं। ये देखें इस साइड पे। चलते हैं तीसरे बेडरूम में। ये सामने तीसरे बेडरूम का डोर ओपन है। ये देख सकते हैं आपकी इसके टाइलिंग वर्क बहुत खूबसूरत। और सामने इसकी देख सकते हैं विंडो वेंटिलेशन के लिए, उसके ऊपर कर्टन, और इस साइड पे बेड वॉल। दूसरे एंगल से आपको दिखाते हैं इस बेड को। ये देख सकते हैं दूसरे एंगल से हम आपको दिखा रहे थे। इसे सामने इसकी वार्डरोब्स बहुत खूबसूरत वाइट एंड ब्लैक शीट के साथ इसको कंप्लीट किया गया है। ये सामने मीडिया वॉल, और इस साइड पे ये बाथ का डोर। चलते हैं बाथ की तरफ। ये हम आगे बाथ में देख सकते हैं फ्लोरिंग वर्क इसका, कमोड, सारा इंपोर्टेड सामान लगा इस घर में, एक एक चीज़ माशाल्लाह। ये घर इन्होंने अपने रहने के लिए बनाया था, किसी रीज़न की वजह से ये अब सेल कर रहे हैं इसको। उसके बाद ये इसकी वैनिटी खूबसूरत। उसके बाद ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, सीलिंग में लाइट्स वगैरह रहती हैं लगने वाली थोड़ी सी। उसके बाद आपको इसका टेरेस पे लेके जाते हैं, यहीं से सीधा। ये सामने हमने देख सकते हैं हम आप इसका टेरेस। ये सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियां हैं। ये हमने इसका डोर ओपन किया, ये लकड़ी का जाली वाला डोर था, ये हमने ओपन किया। ये हम आ गए हैं टेरेस पे। ये हम बाहर टेरेस पे आ गए सर। देख सकते हैं आप ये सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं। और ये इसके जो फ्रंट एलिवेशन से आपके परगोले लगाए गए थे। उसके बाद इसका गली का रिव्यू करवाते हैं हम। इसका गली का रिव्यू आपके सामने, एक साइड स्पेस ये है और फ्रंट स्पेस इसकी, फ्रंट की रोड्स ये हैं। इस घर की डिमांड जो है वो 3,35,00,000 रुपए हैं। और इस घर की डायमेंशन जो है वो 35x65 है। और इस घर की लोकेशन जो है वो सेक्टर सी, बैरियर टाउन, लाहौर है। अगर आप इस घर को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप इंजॉय कर सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।